नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ जिले में सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज मऊ जाने के दौरान मुबारकपुर क्षेत्र के सठियाँव गांव में पूर्व मंत्री व सपा नेता चंद्रदेव राम यादव करेली ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान इंद्रजीत सरोज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मामले में पूरी तरीके से विफल हो चुका है। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि जनता को बहकावे में लाकर वोट लेकर सत्ता में आई है और भाजपा सरकार अब केवल चंद महीनों के ही मेहमान रह गई है। सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति पर मुकदमा कर फंसाया जा रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आम जनमानस कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जनता आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें कि इसमें पूर्व विधायक राजेंद्र राम, उमेश पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव सहित कई नेताओं ने इंद्रजीत सरोज का स्वागत किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।